अरेस्ट वारंट दिखाओ मेरा। अरेस्ट वारंट दे दो, शिकायत दिए तो थाना। अरेस्ट वारंट दिखाइए ना आप। अरेस्ट वारंट क्यों नहीं दिखा रहे? मैं अपना वकील लेकर आऊंगा तभी मैं बात करूंगा, मुझे पूरा अलाव है। थैंक यू, दिखाइए दिखाइए ना। आप क्यों दिखा, क्यों दिखा रहे? अभी अरेस्ट वारंट बात कर रहे हो आप। अरेस्ट ऐसे में आपसे बात नहीं करते, ऐसे में आपसे बात नहीं करते। ठीक है ठीक है, इसको समझा दे। जी 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 हाँ हाँ, सब समझ गए। कर्मचारी है ना? कौन? शासकीय कर्मचारी। कौन कौन? बहुत ज्यादा है ना। देखिए देखिए, आपको कोई अलाव नहीं है, आपको कोई अलाव नहीं है। जा रहा है जा रहा है क्या है ना, वकील लोग शिकायत किए ना आपके विरुद्ध में, सभी वकील गए भी बता रहा हूँ। सर मैं अब अपने वकील से ही बात करूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या क्या ये चीजें हुआ है, तो मैं एक बार देखूंगा उनसे बात करूंगी सब मैटर में। तो कोई मिनिस्टर है क्या, तुझे इतना मामला पता नहीं है कि क्यों वहाँ एससी महोदय के द्वारा 427, 506, 341 तीन धाराएं और इसमें ऐड हो रही है। अगर इस तरीके से नहीं आओगे तो दूसरे तरीके से बुलाया जाएगा। तो जब एसपी का ऑफिस पहुंचा तब मुझे हैरानी हुई जब मैंने वहां पर एक पुलिस से बात किया। मैंने उनसे बताया कि सर यहां पर अभिषेक शर्मा जी का ऑफिस कहां पर है, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहां पर अभिषेक शर्मा नाम के कोई भी व्यक्ति नहीं रहते यहां, ना ही यहां पर कोई सब इंस्पेक्टर उस नाम से और ना ही यहां पर उनका कोई ऑफिस है। यह सुनकर मैं खुद दंग रह गया कि उन्होंने लेकिन मुझे कॉल करके इस तरीके से बुलाया और यह फर्जी निकला। तो पुलिस ने मुझे बोला कि आप एक काम कीजिए, आप मेरे सामने उनको कॉल कीजिए। तो मैंने उनके सामने ही उनको कॉल किया, तो उसका भी रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिए कि वो क्या कहते हैं। हेलो हेलो, हाँ कौन? हाँ अभिषेक शर्मा सर। हाँ हाँ, आपने कॉल किया था कल मुझे। कौन बात कर रहे हैं? गीतेश यादव बात कर रहा हूँ। कहाँ से? पाली से। हाँ बताइए। आपने मुझे कॉल किया था कल शाम को, आपने मुझे कहा था कि आपको कोरबा आना होगा एसपी ऑफिस में, आपके नाम से FIR है। तो कल के लिए बोला था, आज के लिए बोला था क्या मैंने तुझे? आपने कल शाम को कॉल किया था तो आपने मुझे बोला था ना, तो आज के लिए। कल के लिए तुरंत बोला था, कल के लिए तुरंत बोला था। न्यायालय, हाँ न्यायालय से नोटिस आएगा तब जाना, ठीक है? तो आपने शाम को कॉल करके मतलब आप 8 बजे न्यायालय से नोटिस आएगा भी तब जाना, ठीक है? अच्छा, तो जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो एसपी ऑफिस में सर आपका कहाँ पर है ऑफिस? यही, उससे तुझे क्या लेना देना, जब मैं नहीं मिल रहा तो क्या करना है? नहीं तो मैं आया। तो देखा दोस्तों किस तरीके से वह फर्जी निकले। तो दोस्तों जब यह कॉल कट हुई, उस पुलिस ने सजेशन किया कि आप जाइए एसपी मैम से और एसपी मैम से आप इसकी कंप्लेन कीजिए। तो अभी खैर मैं एसपी ऑफिस में हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ एडिशनल एसपी मैम के पास। मैं उनसे एक बार बात करता हूँ इस मैटर पे कि कौन मुझे इस तरीके से परेशान कर रहा है या जबरदस्ती किया जा रहा है इस केस। तो दोस्तों जब मैंने एसपी मैम को अपनी आप बीती बताई कि मेरे साथ क्या क्या घटना हुआ है, मैंने सबसे पहले थाना पाली में जो हेड कांस्टेबल दीपक कुमार जी हैं, जो जिन्होंने मेरे साथ इस तरीके से व्यवहार किया, इस तरीके से बर्ताव किया, और मुझे यह नहीं बताया गया कि मेरे शिकायत पत्र में क्या लिखा हुआ है, मेरे खिलाफ किस तरीके से केस दर्ज हुआ है, क्या हुआ है, ये तो मुझे फेक पुलिस के द्वारा पता चला, जबकि यह काम हेड कांस्टेबल दीपक कुमार जी को करना था। तो मैम को मैंने पूरी अपनी आप बीती बताई। मैंने उनको यह भी बताया कि मैम अभी मैं कोरबा आया हूँ, तो मैं एक कॉल आया था जिन्होंने मुझे अभिषेक शर्मा के नाम से कॉल किया था और अपने आप को सब इंस्पेक्टर बताया, उन्होंने ही मुझे यहाँ पर बुलाया था। तो उनका उनका भी कहना यही था कि यहाँ पर इस व्यक्ति का नाम से तो कोई भी यहाँ पर ऑफिस में बिल्कुल भी नहीं है। तो मैम ने मेरी इन बातों को सराहना करते हुए मैम ने तुरंत पाली में कॉल किया और शायद मेरे ख्याल से उन्होंने थाने में TIG को ही कॉल किया। तो उन्होंने इस बात को बोला कि आपके यहाँ से 148A का शायद अपराध आया हुआ है और मेरे साथ पीड़ित मेरे सामने ही बैठे हुए हैं। तो उनसे जो कुछ भी उनसे बात हुई, फिर मैम ने जैसे ही कॉल कट किया फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपको तो समझौता करने के लिए ही वहाँ पर बुलाया जाया था। तो मैंने भी मैम को कहा, मैम बिल्कुल मैं समझौता करता, लेकिन एक बात बताइए, मैं समझौता किस पे करता? क्या मैंने मर्डर किया है? क्या मैंने रेप किया है? क्या मैंने चोरी किया है? समझौता मैं किस चीज पर करूं जब मुझे पुलिस हेड कांस्टेबल मुझे उन्होंने कुछ दिखाया ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि देखिए अब समझौता तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि आपके खिलाफ और आपके पिताजी के खिलाफ FIR हो चुका है। दोस्तों ये FIR वाले जो चीज है, यह मुझे 20 तारीख को पता चला कि मेरे खिलाफ FIR हो चुका है, वो भी शाम को, और वो भी किसके थ्रू? फेक पुलिस के थ्रू। और जब मैंने मैम को ये बोला मैम, तो फिर उस हिसाब से आज मुझे 21 तारीख को समझौता के लिए पुलिस थाना बुलाया गया था 12:30 बजे के आसपास, वो भी दीपक कुमार हेड कांस्टेबल जी के द्वारा, लेकिन मुझे फेक पुलिस के द्वारा यहाँ बुला लिया गया। मैम तो इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? तो मैडम ने अपनी कुछ प्रतिक्रिया इस तरीके से दी, उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना कभी कभार हो जाती है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद दोस्तों मैंने ज्यादा कुछ प्रतिक्रिया फिर नहीं दिखाया, मैंने एक अपना आवेदन लगाया और उस आवेदन को मैंने मैम को दे दिया और उसका पावती मैंने अपने पास रख लिया। दोस्तों बात यह है कि कैसे कोई आपके साथ इस तरीके से फ्रॉड कर सकता है? सोचिए, फ्रॉड करना रहता तो अनजान नंबर से करता या मतलब किसी और नाम से।
पहुंचे वो व्यक्ति मेरे ग्राम पंचायत के सरपंच से मेरा नंबर लेता है। उसके बाद उसको यह भी पता होता है कि मेरे नाम से FIR हुआ है। उसको यह भी पता होता है FIR में जो जो कुछ भी लिखा है उसके खिलाफ वो मुझे दबाने या धमकाने की कोशिश करता है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? या यह मेरे विरोधी के द्वारा प्रेशर कराया जा रहा था जबरदस्ती का, ताकि हम लोग कमजोर हो जाए और हम लोग जाकर अंत में समझौता कर दें। तो दोस्तों यह बात जैसे ही पता चली फिर मैं शांत हो गया। और अगले दिन ठीक 22 तारीख को जब मैं शाम को मंदिर जा रहा था पूजा करने के लिए, तब मुझे हेड कांस्टेबल दीपक कुमार जी ने देख लिया और उन्होंने मुझे बीच रोड पर ही पब्लिक प्लेस पर ही मुझे धमकाने लगे। वह बोलने लगे, अरेस्ट वारंट दिखाओ। मैं अरेस्ट वारंट दे शिकायत दिए तो थाना। अरेस्ट वारंट दिखाइए ना आप। अरेस्ट वारंट क्यों नहीं दिखा रहे? मैं अपना वकील लेकर आऊंगा तभी मैं बात करूंगा, मुझे पूरा अलाव है। थैंक यू। दिखाइए दिखाइए ना। आप क्यों दिखा रहे? अभी अरेस्ट वारंट तो बात कर रहे हो आप। अरेस्ट ऐसे में आपसे बात नहीं करते, ऐसे में आपसे बात नहीं करते। ठीक है ठीक है, इसको समझा दे। जी 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 हाँ हाँ, सब समझ गए। कर्मचारी है ना? कौन? शासकीय कर्मचारी। कौन कौन? बहुत ज्यादा है ना। देखिए देखिए, आपको कोई अलाव नहीं है, आपको कोई अलाव नहीं है। जा रहा है कि जा रहा है? क्या है ना, वकील लोग शिकायत किए ना आपके विरुद्ध में, सभी वकील बैठे भी बता रहा हूँ। सर मैं अब अपने वकील से ही बात करूंगा, तब मुझे समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या क्या ये चीजें हुआ है। तो मैं एक बार देखूंगा, उनसे बात करूंगी सब मैटर में। तो कोई मिनिस्टर है क्या तुझे इतना मामला पता नहीं है कि क्यों वहाँ एससी महोदय के द्वारा 427, 506, 341 तीन धाराएं और इसमें एड हो रही है? अगर इस तरीके से नहीं आओगे तो दूसरे तरीके से बुलाया जाएगा।